शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वसार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे जगतर नाथ जगन्नाथ कलाशांत विश्वब्रह्मांडर अधीश्वर हे प्रभु मणिमा तुम चरणार बिंदरे ए शुभ सकाळरे शत शत प्रणाम जनाई आज जगतर मंगल कामना निमते सर्वदा कानीपाती भिक मागुचे प्रभु। तेणु प्रभु मत आशीष कर मोर हाथ धरी धरी ए संसार रूपक सागर रु मत पारि कर महाबाहु एतिक मोर आपण चरण से मोर मागुणी। हे जगन्नाथ प्रेमी भाई भौणी माने मो आजि सेई पंचसखांकर चरणार बिंदरे प्रणाम जनाई आज मोर से ही अधा थिबा भागवत महात्म्य को मु आपण मान आग्रे प्रकाश करबा को जाउछि। आउ एतिकि मोर गोटे छोटिया बार्ता आमे ए मनीष समाज रे बंचिछि केमिति प्रभुंकर शरणापन्न आमे हेइथाउ सहजरे समस्ते प्रभु को हृदय सहित डाकंदे ना केतेबेले डाकंती जेतेबेले मनीष मनीष जेतेबेले संसार ए माया संसार रु धोखा खाए सेतेबेले तार आखिर लुह को निगाड़ी प्रभु चरण तले मथा पिटी दुहेत टेकि प्रभु को डाके प्रभु ए संसार मते धोखा देछि। आउ जेतेबेले महा विपद ता संसार उपरे पड़ी थाए जेतेबेले निजर आत्मीय स्वजन को कौन सी कारणवशतः से हरई थाए से विकलर सहित से प्रभु को डाके प्रभु मते साहस दियो मते शक्ति दियो मुई दुख सागर रे बुड़ी रही मते ए जंत्रणार मुक्ति कर। तेणु आम से जगन्नाथ चरण तले सर्वदा प्रणिपात जनाइबा आ तांकु सबुबले साहस शक्ति प्रार्थना भिक्षा करी आग को बढ़िया। से मणिमा इति दयालु जे तांको भक्त पाई से एक रकम बांधी होई जानती देखुना से बलराम दास कथा जेतेबले बड़दाण्डरे रथाड़ूढ़ जगन्नाथ लक्ष लक्ष भक्तमय बड़दाण्ड से ही समय जगन्नाथ दास सरी आम बलराम दास जेतेबले रथाड़ूढ़ जगन्नाथ दर्शन पाई रथ उपर को उठी से ही समय देहरे सिंदूर बिंदु लगी भाविले से समस्त कहते से बेशालय को गमन करती बोली हाथ को धरी पंडा मैंने धक्का मारी काढ़ीदे। आउ से बलराम दास लुह विजाय नयन चका आखि को चाह कहले प्रभु तुम सामने मत तुम मो अति अंतरंग भक्त तुम्हारी सामने मत पंडा मैंने आज धक्का मारी काढ़ी कौन ठीक विचार प्रभु आज मु चली जाऊँ प्रभु चली जाऊँ जदि तुम दर्शन न मिलला ए दांडे रही लाभ कौन समुद्र कूल को धीर मंथर गति में चलीगले आखिर लुह गड़ी जाऊ थाए कारण सी थी जगन्नाथ अति अंतरंग भक्त सी महोदी तीर दुहत टेकि प्रभु को आखिर सबू लिह को निगाड़ी निगाड़ी बालीर रथ टीए निर्माण कले आई रथरे जगन्नाथ को सी दर्शन पाइले। जगन्नाथ भक्तर मान रक्षा करने भक्त प्रेम एते बांधी हो गले पंडा माने जेते रथ को चेष्टा कले भिड़ापी रथ इंचे भी गड़ा ना भाड़ी पड़गला प्रभुंर नंदीघोष रथ कहीं गड़ूनी पंडा ज्ञान आसला आरे आम से बलैया को रथ रु तड़ीदेवार ये परिणति कि पुणी से माने बाली रथ को पाखकु धाई गले देखिले जगन्नाथ नंदीघोष रु
चली जाई बालीरथरे स्वयं आविर्भूत होती शंख चक्र गदा पद्म धारण करी बामन बेसरे से महोदधि कूलरे भक्त बलराम दास पाखे आविर्भूत होती तेणु आम सदा सर्वदा से ईश्वर चरण तले निष्काम हृदय नहीं चरण तले समर्पित हो जा देखा से भक्त बलियार पचे पचे धाइला पी आम पचर मध्य सदा सर्वदा से आम को ढाल परी थे आमर ढाल परी थे जय जगन्नाथ। आज से पंचशखा भितर जड़े जी कि जगन्नाथ दास अति बड़ी जगन्नाथ दास आम मान मनरे जगन्नाथ प्रति भक्ति संचार करने भागवत को ओडिया अनुवाद करते भागवत को आज श्रवण करी अनेक लोक मुक्तिलाभ कर भागवत गोटे छोटिया जिनस नुह ये महान ग्रंथ ये महान ग्रंथर महात्मा विषय मुण मान कहती एवं भी आरंभ करवा कथावस्तु पूर्व जा सुकम नदन सर्वे स्वकार्य कुशला कथा सुधम प्रयच्छस्व गृहीत सुधा मीमाम। देवता माने निजर कार्य हासिल करिवारे बड़ कुशली थांदी ए आपण को जनाथिबो तेणु समस्ते सुखदेव को नमस्कार करी कहिले आपणे अमृत नहीं यह विनिमय आंभ को कथामृत दान करंतु तापरे एवं विनियमे जातो सुधाराज्ञा प्रपियतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। एहिपरि परस्पर विनिमय रे राजा परीक्षित अमृत पान करंतु एवं आंभे समस्ते श्रीमद् भागवत रूपक अमृत को पान करिवु बोली देवता माने कहिले। तेणु देवता मानकर कथा रक्षा करी को सुधा को कथा लोके को मणिर्महम ब्रह्मा रात विचर्जयम तवात तदा देवांच हास। यही संसार रे काही काच एवं काही मूल्यवान मणि तथा काही सुधा और काही श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भागवत कथा एते अमूल्य संपद यह संसार काही काच एवं काही मूल्यवान मणि अर्थ काही सुधा काही श्रीमद् भागवत कथा श्री शुकदेव एक कथा विचार करी यहाँ को उपहास रे उड़ाई देले। अभक्त्यां शास्त्रस्य विज्ञायन ददौ स कथामृतं श्रीमद् भागवत वार्ता सुरा नामणि दुर्लभा। तांकर एपरि भक्ति शून्य भगवान को जानिपरि श्री सुखदेव देवता मान कथामृत दान करिनथिले एपरि ए श्रीमद् भागवत देवतांक मध्य अत्यंत दुर्लभ अटे। देवता माने मध्य ए श्रीमद् भागवत को सम्मान देथांति एति पुण्य ये श्रीमद् भागवत तेणु आमे सर्वदा से भागवत पाखरे मनोनिवेश करिबा। रागी मोक्षम तथा वीर्य पुरा धातापि विस्मित सत्यलोके तुलाम बधि द्वातलय साधनान्यजः। अर्थात पूर्वकाल रे श्रीमद् भागवत श्रवण रे राजा परीक्षितंकर मुक्ति देखी ब्रह्मा को बड़ आश्चर्य लगिता से सत्यलोक निकित रे समस्त साधक मान को श्रीमद् भागवत सहित ओजन करते किए से ना पूर्वकाल श्रीमद् भागवत जिते श्रवण कले परीक्षित राजा से मुक्ति लाभ कले ब्रह्मा आश्चर्य होगले केमिति ए राजा परीक्षित मुक्ति लाभ कले तेणु से सत्य लोकर को गले एवं निकित रे साधक मान को ओजन कले श्रीमद् भागवत को ओजन कले देखिले भागवत सर्वश्रेष्ठ। लघु नान्यानि जातानि
वैरवेशदम महतम तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमम जजुः। अन्य समस्त साधु साधना गुड़ी को ओजन रे कम हो गले, निजर महत्व कारण श्रीमद भागवत समस्त अधिक हैला। यह देखी समस्ते ऋषि समस्त मान जेतक ऋषि थिले से माने आश्चर्य चकित हो पड़िले। मेनि रे भगवद्रुतम शास्त्रम भागवत कलौ पठनाच बणात सदौ वैकुंठ फलदायकम। ऋषि माने स्थिर कले जे सेठार जे ऋषि थिले से माने स्थिर कले जे कलि युगरे भागवत हेउची भगवानंकर एक स्वरूप। यहाँ आमे जदि पठन करिबा, यहाँ आमे जदि श्रवण करिबा, तत्काल रे आमे जेते कष्ट आसु आमे वैकुंठ प्राप्ति ओ मोक्ष प्राप्तिर फल प्रदान करिबे ए भागवत। आज पई मोर कथा वस्तु को विराम देउछि जे जगन्नाथ प्रेमी भाई बहन माने जदि मोर किछि त्रुटि थिबो मते क्षमा मार्जना करिबो। आज पई विदा नेउछि, आर अध्याय रे महात्म्य को आग को नवा। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय जगन्नाथ।